डियर फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स, वेलकम बैक टू द गार्डन ग्रो। इस वीडियो में मैं आपको घर पर ही कैल्शियम के फर्टिलाइजर को बनाने का तरीका बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, इसके पहले के वीडियो में हमने कवर किया है और उसमें मैंने आपको बताया है कि कैल्शियम किस तरह से प्लांट में काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। थोड़ा सा मैं आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां होती हैं, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती हैं, वैसे प्लांट के केस में दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है और उसमें कैल्शियम का काफी रोल होता है। तो अगर पौधों में कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो ओवरऑल उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और उसके साथ साथ उसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगा। फ्रेंड्स, कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए कई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, जिसमें एक है बोन मील फर्टिलाइजर, जिसको हड्डियों के चूरे से बनाया जाता है। ऑनलाइन ये अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है, आप इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जो दूसरा वाला फर्टिलाइजर है वो है एक्सेल फर्टिलाइजर। फ्रेंड्स, एक्सेल फर्टिलाइजर अंडे के छिलके से बनाया जाता है, आप आसानी से इसे अपने घर पे ही प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम बना के बताते हैं कि किस तरह से इसको आप अपने घर पे आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, वो भी विदाउट एनी कॉस्ट। फ्रेंड्स, ये हमारे पास अंडे का छिलका है और आप भी इस तरह से अंडे का छिलका ले लें, आपके घर में अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगर जरूरत है तो बाहर से जो अंडे बेचते हैं उनसे आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए एक तरह से वेस्ट मटेरियल ही है। दोस्तों, अंडे का आप वही छिलका लें जो जिसको बॉयल किया गया है, जिसको फ्राई करने के लिए कच्चा तोड़ा गया हो उसको आप अवॉइड करें, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में थोड़ी सी परेशानी होने वाली है। तो जो बड़ी साइज के हैं, जो इंटैक्ट हैं, उसको आप इस तरह से किसी कंटेनर में ले लें। दोस्तों, मैंने सारी बड़ी पीसेस को इकट्ठा कर लिया है, अब इसको हम पानी से ठीक से धुलेंगे। धुलते टाइम आपको ख्याल ये रखना है कि इसमें अगर कोई अंडे का हिस्सा है तो आप इसको रिमूव कर दें, क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है और बाद में इसकी जब हम पिसाई करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और उसके साथ साथ अंडे के नीचे इसकी जो मेम्ब्रेन है या झिल्ली है, इसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज ये भी पीसने नहीं देगा। इसको जब पीसेंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और उसके साथ साथ चींटियां भी लगेंगी जब इसको हम मिट्टी में डालेंगे। तो इसमें जितने भी झिल्लियां हैं आप इसको इस तरह से केयरफुली रिमूव करके फेंक दें और आपके पास जो ये अंडे का छिलका आया है अब बिल्कुल क्लीन है। पानी में इसको हमने साफ कर दिया, इसकी झिल्ली भी रिमूव कर दी है। अब एक पेपर इस तरह से बिछा लें और पेपर पे जो भी छिलके साफ हो गए हैं, जिसमें झिल्ली रिमूव हो गई है, उसको इस तरह से इस पे रख लें। मैंने सारे ही छिलके को क्लीन कर दिया है और क्लीन करने के बाद इसमें जितनी भी मेम्ब्रेन चिपकी हुई थी सारी मेम्ब्रेन को भी हमने रिमूव कर दिया है। अब हमारे पास अंडे का छिलका या एग्शेल तैयार है। अब इसको हम अच्छी तरह से धूप में सुखाएंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है इसको पीसना, और पीसने के लिए ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो इसको हम ब्राइट सनलाइट में छोड़ देते हैं ताकि अच्छी तरह से सूख जाए। फ्रेंड्स, अंडे के छिलके कम्प्लीटली ड्राई हो चुके हैं और इतना ड्राई हो गया है कि इसमें जो खनक है इसकी खनखनाने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। अब हमें इसको कलेक्ट करना है और कलेक्ट करके हमारे पास जो मिक्सी होती है जिसमें हम मसाला पीसते हैं, उसमें इस तरह से इसके छोटे पीसेस बनाकर इस कंटेनर में हम रख लें। दोस्तों, आप देख रहे हैं इसमें जितने भी अंडे के छिलके मैंने सुखाए थे, प्रोसेस किए थे, इसको इसमें रख लिया है। अब इसको हम इसका ढक्कन बंद करके कम से कम 2-3 मिनट तक फुल स्पीड पे इसको घुमाएंगे ताकि अच्छे से ये पीस जाए और इसका बारीक पाउडर बन जाए। दोस्तों, अब इसको हम फुल स्पीड में पीसने वाले हैं। इसका ढक्कन अच्छे से बंद कर दें, क्योंकि जैसे जैसे ये बारीक पीसता जाएगा वैसे इसके पाउडर उड़ना शुरू कर देंगे। तो इसको ठीक से बंद करके हाथ से ऐसे दबा देना है और इसको फुल स्पीड पे घुमाना है। इसको हमने अच्छी तरह से पीस लिया है, लेकिन अभी इसका ढक्कन हम खोलेंगे नहीं, क्योंकि पाउडर इतना बारीक हो गया है एक्शेल का कि वो जैसे ही खोलेंगे उड़ना शुरू कर देगा। तो हम तकरीबन 2 मिनट तक वेट करेंगे ताकि जितना भी इसमें पाउडर है वो सारा का सारा नीचे सेटल डाउन कर जाए। अब इसको हम खोलेंगे और खोल के आपको दिखाते हैं ओरिजिनल एक्शेल फर्टिलाइजर। तो आप देख रहे हैं ओरिजिनल और प्योर एग्शेल फर्टिलाइजर प्रिपेयर है, जिस किसी भी सॉइल में कैल्शियम की डिफिशियंसी है और उसमें फ्लावरिंग को बूस्ट करना है तो आप इसका इस्तेमाल अपने जरूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तब तक आप इसको किसी ड्राई कंटेनर में या छोटे डब्बे में भर के रख लें। फ्रेंड्स, आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने घर पर ही एग्शेल फर्टिलाइजर को प्रिपेयर कर दिया है। इसको अमेंड करने की जो क्वांटिटी है, यूजली 9 से लेकर के 12 इंच डायमीटर तक के जो मिट्टी के गमले होते हैं उसमें आप 3 उंगली की चुटकी से 2 चुटकी ऐड करें, वो मोर देन इनफ होगा। उससे ज्यादा आपको नहीं डालना है और पौधा उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेगा और उसकी ग्रोथ भी
अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा मैंने कैल्शियम की इम्पोर्टेंस और प्लांट में उसके रोल के बारे में एक अलग से कम्प्लीट वीडियो किया हुआ है, आप यहाँ आई बटन पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अगर बागवानी में इंटरेस्टेड हैं और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, इस तरह की ढेरों वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। गार्डन ग्रो से जुड़ने के लिए और हमें सुनने के लिए थैंक यू।